सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एंटमैन एंड द वास्प के काफी बड़े स्पॉइलर के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरी इस वार्निंग को ध्यान में रखिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता होगा, इस फिल्म के डायरेक्टर ने ये रिवील कर दिया है कि इस फिल्म में गोस के बाद और एक कौन सा विलन देखने हमें मिलने वाला है। वेल, एक हिसाब से ये एक स्पॉइलर भी होगा। चलिए अब बात करते हैं उस विलन की कि हमें इस फिल्म में गोस के बाद और कौन सा विलन देखने मिलने वाला है। और उस विलन का नाम है इलिस स्टार, यानी एग हेड, जिसका रोल इस फिल्म में माइकल करने वाले है। तो बेसिकली ये विलन हांग पेंग और जैना के टाइम का होगा, जो कुछ क्वांटम रोम से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहा होगा। और यहाँ पर शायद उनके साथ ईवा भी होगी, यानी गोस। जी हाँ, इस कैरेक्टर का नाम ईवा भी है। और ये कैरेक्टर क्वांटम रोम के उस टाइम में फंस जाएगी, जिसके बाद जब एंट मैन को पता चलेगा कि क्वांटम रोम में जैना का कैरेक्टर जिंदा है, तो वो लोग ट्राई करेंगे कि वो लोग जैना को वहाँ से फिर से बाहर निकाले। लेकिन इस बीच वहाँ से गोस्ट भी आजाद हो जाएगी। लेकिन बात की जाए गोस्ट के पहले नाम ईवा की, तो ये कैरेक्टर भी मार्वल में एग्जिस्ट करता है। और इस कैरेक्टर को हम मार्वल में जानते हैं व्हाइट टाइगर के नाम से। तो क्या ये कैरेक्टर व्हाइट टाइगर ही है जिसे क्वांटम रोम में फंसाने के बाद इस कैरेक्टर का नाम गोस्ट कर दिया गया हो? और अब एक और विलन की बात कर लेते हैं, जिसकी कंफर्मेशन इस फिल्म की एक्ट्रेस लिली ने की थी। शायद उनके मुंह से गलती से निकल गया था कि इस फिल्म में एक और विलन कौन है। तो इसे मिलाकर इस फिल्म में टोटल 4 विलन हो जाएंगे। वेल, तो वो विलन और कोई नहीं बल्कि लॉरेंस फिशबर्नी का कैरेक्टर डॉक्टर बिल फॉरेस्ट ही है। जी हाँ, लिली ने ये कह दिया था कि इस फिल्म में लॉरेंस के कैरेक्टर से निपटने के बाद वो सीधे जाएंगे एवेंजर्स 4 फिल्म में। तो इससे ये बात तो साफ होती है कि इस फिल्म में लॉरेंस फिशबर्नी का कैरेक्टर भी विलन है, यानी गॉलेट भी हमें इस फिल्म में विलन नजर आने वाला है। वेल, तो अब फिल्म रिलीज होने के लिए ज्यादा टाइम तो नहीं बचा है, लेकिन फिर भी काफी सारी डिटेल हमें फिल्म से रिलेटेड मिलती जा रही है। तो अब आपकी क्या राय है स्पॉइलर को लेकर, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।